यार इसे बंदर बहुत भागते हैं यहाँ पे। और हमारे गढ़वाल की एक बहुत फेमस डिश है ये जलेबी। और बहुत एंजॉय करना था, जिस अध्याय नचना था। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। यू ऑल आर वार्म वेलकम टू माय चैनल हिमालयन जोगी। मैं हूँ इस टाइम उत्तराखंड भ्रमण पर और हमारे गांव में एक मेला लगता है, वो हर साल लगता है 6-7 जून को। और ये हमारा खैरालिंग देवता है ना, खैरालिंग मतलब भगवान शिव। उत्तराखंड एक देव भूमि है और यहाँ पग पग पे हर गांव में अपना एक देवता होता है। हालांकि देवता सबका है, किसी पर्टिकुलर का नहीं है। यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की है, यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्थली है। यहाँ पग पग पे हर साल, हर वर्ष, हर महीने मेले लगते हैं। ऐसा ही मेला हमारे गाँव में लगता है, यह है खैरालिंग देवता। और अभी चलते हैं, आपने पिछले वीडियो मेरे देखे होंगे, आपने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत सत्कार दिया, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं मैनी मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और अब आप देखिए वीडियो, मंदिर में जो कौथिक है ना, हमारे मेला हमारे गढ़वाली में कौथिक बोलते हैं, तो अभी मेले में आपको ले चलता हूँ। हालांकि इस टाइम मुझे रश बहुत कम दिख रहा है पिछली बार की तरह, क्योंकि यहाँ पे दो गांव हैं, बड़कोट और कठोर। कठोर में भी अपने जो लोग हैं वो अपना मेला आयोजित कर रहे हैं और यहाँ पे बड़कोट में भी अपना मेला आयोजित कर रहे हैं। पहले ज़माने में कम से कम हमारा 12-13 गांव हुआ करते थे जिनका सब एक ही मेला होता था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, हर कोई अपने अपने गाँव में मेले का आयोजन कर रहा है। फिलहाल बड़कोट में है। ये जो बच्चे हैं ना, ये हैं तो छोटे बच्चे, लेकिन आजकल YouTube और सोशल मीडिया में सब हर कोई सोशल मीडिया को देखता है। ये सारे बच्चे मेरे गांव के आसपास के और सारे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँ, चलो मेरे बच्चों एंजॉय, बाय, मिलते हैं। और ये है हमारे ग्वारा भाई, इनका वीडियो आपने एक साल पहले देखा हुआ, बहुत फेमस हुआ था। और यहाँ पे ये जलेबी की दुकान है इनकी, और जलेबी लेकिन बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, मैं खा चुका हूँ और जाते हुए भी ले जाऊँगा, ये देखिए आप। और हमारे गढ़वाल की एक बहुत फेमस डिश है ये जलेबी, मतलब जो ना खाए वो पछताए। चलिए फिर आपको ले चलता हूँ मेले में। और ये हमारे कुछ लोग हैं, हमारे मित्रवर, हमारे छाछा श्री मिस्टर राजेंद्र प्रसाद थप लिया। और ये PM साहब हैं, और ये हमारे सहदेव रावत जी, और आप गुसाई जी हैं, सही कह रहा हूँ? तो चलो फिर मेला में, यहाँ क्या खड़ रहे हैं आप लोग, नीचे अच्छा हुई है। ओहो, आज भीड़ कम है, क्या बात है, भीड़ कम की आजकल भैया। आप सही में, मैं बड़ा निराश हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। अब उसका रीजन मैं नहीं जानता हूँ, लास्ट टाइम मैं आया था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन अब की बार यहाँ पे रश नहीं है। और ये हमारे कनाडा वाले भाई आ रहे, पम्मी असवाल जी, ये कनाडा वाले, कनाडा से आते हैं, हर साल आते इस मेले में, और पिछली बार इन्होंने ही इस पूरे मेले को स्पॉन्सर्ड किया था पर्सनली। आपका हृदय से आभार, वंस अगेन थैंक यू, आप यहाँ पे आए हमारे पास रिकॉर्डिंग करके सारे लोगों को दिखाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्या फट गया वो फट तो मेरा, आएंगे कभी कनाडा आएंगे, बिल्कुल कनाडा मिलेगा आपसे, आपका स्वागत। अभी आसपास आप देख रहे हैं दुकानें सजी हुई हैं, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, नजीमाबाद, गाजियाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। चलो मैं पूछ लेता हूँ ये लोग कहाँ से आए हैं, शुरुआत करता हूँ। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? नजीमाबाद। चलो फिर आगे चलते हैं, पूछते हैं, ये अंगूठियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? नजीमाबाद। आप कहाँ से आए हैं? सर, सारे नजीमाबाद से आए हैं क्या? नजीमाबाद। अब मुझे लग रहा सारे नजीमाबाद ही हैं। नजीमाबाद जी सर, ओके, कहाँ से आए हो? नजीमाबाद। यार सारे नजीमाबादी गुस्से में क्या यहाँ पे? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप सारे नजीमाबाद से हो क्या? कहाँ से हो? नजीमाबाद। अरे बाजा, ये बाजा बजाओ, जरा बाजा बजाओ। आप कहाँ से हो? नजीमाबाद। अरे भाई, सबने क्या मंडली आपके नजीमाबाद से है? कितने? हाँ भाई, बता बता बता, कितने का है?
अरे पिछली बार 20 रुपए का लिया था मैंने, रेट बढ़ गया। छोटा है जरा बजा, दूसरा दिखा। चलो मैं बजाता हूँ, बजा के दिखाता हूँ। ये बाजा है यार, इसे बंदर बहुत भागते हैं यहाँ पे और अच्छी खासी बिक्री होती है इसकी। आवाज सुन रहे ना, लेता हूँ बाद में दोस्त, आता हूँ अभी। ले लो सर जी, ले लो अभी, ले लो। अरे अभी कहाँ रखूंगा यार। चले बढ़ते हैं आगे मेले में। ये हमारे नेगी जी हैं, नेगी जी को नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत। क्या बात है, इस बार भीड़ बहुत कम है? नहीं, भीड़ तो लगभग है, उसका एक कारण ये भी है कि कठोर में भी कार्यक्रम चल रहा है खैरालिंग पूजन का, और मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जोगी जी, आपका चैनल को, आपके चैनल को सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप हर साल मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप हमारा ये जो सांस्कृतिक कल्चर है इसको कवर करें, और मैं आपसे एक अपेक्षा और करूंगा, मेरे गांव कुनकली में भी माँ भगवती का जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, आप उसमें साधन आमंत्रित हैं, आप परसों भंडारे में अवश्य आएंगे, मेरे को पूरी अपेक्षा, आप सुबह प्रातः 8 बजे मेरे गांव कुनकले में आने की कृपा करेंगे। मैं जरूर आऊँगा, आपका हार्दिक स्वागत मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं परसों आपके गांव में हाजिर हूँगा। चलो पहले चलते हैं मंदिर की तरफ। शिव हमारे आराध्य है, उत्तराखंड के देवभूमि है, तो इसके आराध्य शिव भगवान है, क्योंकि शिव की क्रिएटिविटी है, पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, इसीलिए हमारे उत्तराखंड में शिव को आराध्य माना जाता है, शिव की पूजा की जाती है। ये मंदिर है जो कि पूरा सजा हुआ है फूलों से। अब यहाँ पे देवताओं का नाश शुरू हो गया है, क्योंकि देवभूमि उन्होंने बताया ना, देवभूमि है, यहाँ पे देवता निवास करते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, जितने भी ये लोग हैं, ये सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर होना भी लाजमी है, क्योंकि ये मेरे आसपास के गांव के, मतलब गांव हमारा अलग अलग है, लेकिन हम लोगों के रिलेशन बचपन से हैं। ये एक्स आर्मी पर्सनल है, रघुवीर सिंह असवाल जी। अरे आपको तो सब कुछ, ये हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी को प्रणाम। ब्याज ढूंढो चामी आप तक कक्षा ही कक्षा ब्याज अच्छा ब्याज में नहीं हो नहीं पर ब्याज में तो बुखार हो गया जाए। चलो आपको ले चल रहे मन्नान की तरफ। और यहाँ पे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं अपने श्रद्धा अनुसार, विल यू शट योर माउथ प्लीज।
आज बड़ा हर्ष का विषय है कि ग्राम सभा बड़कोट के अंतर्गत श्री खैरालिंग का मेला आयोजन हो रहा है। इस मेले में क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं। ये मेला हमारा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। हर वर्ष यहाँ पर पूजन होता है, जिस लगभग मेरे ख्याल से 55 वर्ष हो गए होंगे जब से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैं आज खैरालिंग देवता में ग्राम उजड़ गांव करमवीर सिंह रावत खैरालिंग देवता में आज हम उपस्थित हुए हैं। आज हमारे आदरणीय राम बड़कोट के माननीय श्री उमेश पाल सिंह असवाल जी जो देहरादून में रहते हैं उमेश पाल जी और उनसे हम अभी मिले। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि शुभ अवसर पर इस शुभ मिलन पर वो अपने विचार अपने शुभ आशीष हमारे सामने रखेंगे। मेरा आप सबको आशीष है कि इस तरह से मिलते रहो, मेले में भागीदारी रखो अपनी ताकि मेला और आगे बढ़े और सब लोगों का रहे इसमें हिस्सेदारी, यही मेरा वो है आपको। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे बीच में आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब श्री कीर्ति सिंह असवाल जी। मैं सभी अपने भाई बंधुओं से इस शुभ अवसर पर अपने खैरालिंग देवता की चरणों में प्रार्थना करते हुए सबकी खुशहाली के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं और सभी के सहयोग से हमारी इसमें संस्कृति और सभ्यता एक साथ आगे बढ़े
हमारी नई पीढ़ी भी इसमें जुड़े विश्वास के साथ में, ताकि जो धारणाएँ हैं हमारे जो देवताओं का एक अच्छे चाल चलन के एक सांस्कृतिक जीवन जीने का एक सीख मिले, इसी प्रार्थना के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपने आप लोगों का इस सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारे सहयोग दिया इस मंदिर समिति में, आप हमसे जुड़े। धन्यवाद रावत जी और धन्यवाद हिमालयन जोगी जी, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप हर साल इस कार्यक्रम का वीडियोग्राफी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है। इस अवसर पर हम लोग साल में ये ऐसा अवसर होता है, मेला ही हमारा सांस्कृतिक कल्चर है। इस मौके पे हमारी माँ बहनें भाई बहन जितने बहु बेटियाँ हैं, हम लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं। आपका विशेषकर मैं फिर आभार करता हूँ, आप इसको इसको वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूँगा ग्राम उजेड़ गाँव श्री लक्ष्मण सिंह असवाल जी, आने वाले भविष्य में ग्राम सभा प्रधान का चुनाव भी शायद लड़ेंगे। रावत जी, नेगी जी, समस्त हमारे बंधु और मेला के समस्त जितने भी कार्यकारी पदाधिकारी हैं, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम आज कई सालों से कई वर्षों से मेला में सबके दर्शन हो जाते हैं, ये मिलन है और मेला ही है। लक्ष्मण जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भाई प्रधान के लिए भी उम्मीदवार हैं तो वो प्रेशर दें प्रधान उनसे MLA महोदय को, विशेष से सड़क के हम लोगों की मेन समस्या होती है सड़क की, बिजली पानी और सड़क, ये तीनों चीज़ें हमें अवेलेबल हो जानी चाहिए। अभी आपने सुना करमवीर सिंह रावत जी ने जिस तरह बताया कि लक्ष्मण सिंह असवाल जी अगले नेक्स्ट इलेक्शन में प्रधान का चुनाव लड़ेंगे, और मैं सही कहूँ मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैं अब अपने कदम वापस लेता हूँ। फुल सपोर्ट लक्ष्मण सिंह असवाल जी, फुल सपोर्ट। मेरा भोले बाबा जी नाच के ना, ओ नाच के ना, आ नाच के ना, मेरा भोले बाबा जी नाच के ना, आ बाज के ना, आ बाज के ना, डम डम डमरू बाज के ना, डम डम डमरू बाज के ना, एक हाथ त्रिशूल तेरो एक हाथ डमरू, एक हाथ त्रिशूल तेरो एक हाथ डमरू, आके तेरी लाल बहने पेखी बंगलू, आके तेरी लाल बहने पेखी बंगलू, आहा नाच गे ना, आहा नाच गे ना, भोला पेखी बंगलू नाच गे ना, आहा नाच गे ना, आहा नाच गे ना, भोला पेखी बंगलू नाच गे ना, आहा बाज गे ना, आहा बाज गे ना, डम डम डमरू बाज गे ना, डम डम डमरू बाज गे ना, कैलाश मारेंदा सब गौरा जी का संग, कैलाश मारेंदा बाबा गौरा जी का संग, गणपति जी लाल तेरा मन बजाने, गणपति जी लाल तेरा मन बजाने, नाच गे ना, खालीन ठाकुर जी की, ठाकुर जी की, ठाकुर जी की, दिशा ध्यान की, जयकारा शेर वाले का, बोलो सच्चाई दरबार की जय, बोलो भक्त जनों की जय, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी, माते सिंदूर सोए मूस की सवारी, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी
की पार्वती पिता महादेवा, पानी चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, पानी चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा, लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ओ गणपति गणेश की जय, गौरी नंदन की जय, हर हर महादेव। यहाँ पे रश नहीं है, पिछली बार काफी ज्यादा रश था यहाँ पे, जागरण करेंगे बस आप भले। जागरण हो रहा है और यहाँ पे भगवान शिव का जो मंदिर है ख्यालिंग देवता का, जो हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, अभी फिलहाल तो किवाड़ बंद है, दरवाजे बंद है, लेकिन जो भक्तगण है वो यहाँ पे पूरी रात जागरण करेंगे। तो कुछ नाच रही है तो बड़े एक्टिव है, लाल मोरी छजा आजा के करीब 12 बज चुके हैं और यहाँ पे अभी मनाट चल रही है। हालांकि भीड़ बहुत कम है, सुबह भी भीड़ कम थी, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका जोश बरकरार है भगवान शिव की कृपा से। जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भागीरथी बोला जय दस।
से।